हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मारुति सुजुकी की बलेनो है, 2016 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। इसका इवापोरेटर कॉइल लीकेज हो चुका है। ये रही इवापोरेटर कॉइल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें प्राइस भी लिखा हुआ है। हम इसका रिप्लेस करेंगे क्योंकि इसका लीक हो चुका है। तो इसके लिए हमको क्या क्या खोलना पड़ेगा सब खोलेंगे, फिर हम आपको दिखाऊंगा क्या क्या खोलना पड़ता है इसमें। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसोल बॉक्स से स्टार्ट करते हैं खोलना। कंसोल बॉक्स खोलता हूँ, फिर जो जो पार्ट खोलना पड़ेगा मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कौन सा खोलना पड़ रहा है, वो वीडियो के साथ बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। तो चलो हम फिर खोलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैटरी की वायर निकाल देते हैं, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। पहले हमारे को कंसोल बॉक्स खोलना पड़ेगा। कंसोल बॉक्स खोलने के लिए ये जो दोनों क्रोम दिख रही है, ये दोनों क्रोम ऊपर उठा के खींचेंगे तो निकल जाता है। ये दोनों निकाल दिया, उसके बाद ये वाला फाइबर निकलेगा। इसमें पीछे साइड लॉक रहता है, वो लॉक निकाल देता हूँ मैं। निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ इसको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये निकाल दिया हूँ मैं। इसमें ये वाली लॉक रहती है, इसमें चिपका हुआ रहता है, वो निकाल दिया हूँ। और उसके बाद ये वाला ये निकल जाएगा अपना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं खुल जाएगी अपना। ये पूरा सैंपल दिया हुआ रहता है, ये भी निकल गया अपना। उसके बाद ये दो स्क्रू जो दिख रहा है आपको, ये दोनों स्क्रू और ये दो स्क्रू खोल के पीछे भी इसको स्क्रू रहता है, खोल दिया हूँ। उस साइड ये साइड भी रहता है, खोल के फिर ये इजीली पूरा बाहर आ जाएगा। चलो हम इसको बाहर ले लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। दोनों स्क्रू खोल दिया हूँ इसका भी, तो ये इजीली पूरा बाहर आ गया अपना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ मैं और रहिए, ये साइड साइड करके खुल जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये भी निकल गया। और ये बाजू का रहा, ये बाजू का भी ऐसे ही निकल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं निकल गया। हमको गियर बॉक्स खोलने की जरूरत है। ये जो 4-12 नंबर दिया हुआ रहता है, ये 4-12 नंबर खोल के हम इसको पलटी मार देते हैं, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने गियर बॉक्स वगैरह खोल दिया है और इसको पलटी भी मार दिया हूँ। और ये रही सॉकेट, ये सब सॉकेट खोलना पड़ेगा आपको, खोल दिया हूँ। और उसके बाद ये रही सॉकेट, ये वाली सॉकेट को यहाँ से अलग करना पड़ेगा, ये पावर विंडो का है और ये इसको अलग कर दिया हूँ। उसके बाद स्टेयरिंग खोलना पड़ेगा आपको, स्टेयरिंग वगैरह खोल के उसके बाद ये रही साइड में 2-10-12 नंबर का, ये खोलना पड़ेगा, ये 10 नंबर खोलना पड़ेगा। बाकी डक्टिंग का एक ये जो दिख रही है अंदर, ये वाली खोलना पड़ेगा। और इस साइड का मैं खोल देता हूँ सब, खोलने के बाद फिर उस साइड आपको दिखाऊंगा। चलो फिर दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये स्टेयरिंग कॉलम भी निकाल दिया हूँ, स्टेयरिंग का रॉड जो है वो भी खोल दिया हूँ मैं, यहाँ से अलग कर दिया हूँ। चलो इन्होंने निकाल दिया। उसके बाद ये वाली 12 नंबर भी खोल दिया हूँ, इधर की सब सॉकेट निकाल दिया हूँ, ये सॉकेट ये 12 नंबर दोनों खोल दिया हूँ। बाकी अपना इधर की जो सॉकेट थी सब निकाल दिया हूँ, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। ये वाली केबल भी निकाल देना पड़ेगा, यहाँ रहता है लगा हुआ, निकाल दिया हूँ इसको भी मैं। और उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप, ये सब सॉकेट निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये BCM की सॉकेट निकालना पड़ेगा, ये 2 और ये 3 बड़ी वाली सॉकेट, और यहाँ 1-2 सॉकेट दिया हुआ रहता है, ये दोनों निकालना पड़ेगा। ब्लोअर की सब सॉकेट निकालना पड़ेगा, ये आउटसाइड एयर का, उसके बाद ब्लोअर की, रेजिस्टेंट की, सेंसर की, इवापोरेटर कॉइल सेंसर की, ये अर्थिंग इधर भी है, इधर भी दिया है वो अर्थिंग, दोनों निकालना पड़ेगा। ये सब निकल चुका है अपना। और ये रही साइड का, यहाँ का भी ये खोलना सॉकेट निकालना पड़ेगा, यहाँ का भी सॉकेट निकालना पड़ेगा। ये साइड का पैनल, इधर 10 नंबर दिख रहा है वहाँ, ये रही 10 नंबर, यहाँ रही 10 नंबर, वो भी खोलना पड़ेगा। ये सब खोलने के बाद हमारा डैशबोर्ड इजीली आ जाएगा। सब खोल चुके हैं लेकिन बट आप अभी भी देख रहे हैं डैशबोर्ड हिल नहीं रही है, हिल रहा है, पूरा नहीं हिल रहा है, देख पा रहे हैं आप। क्यों नहीं निकल रहा है डैशबोर्ड? क्योंकि बाहर से एक 12 नंबर दिया हुआ रहता है, जो मैं बाहर आपको दिखा देता हूँ कहाँ दिया है 12 नंबर। चलो देख लेते हैं। पैनल खोलना पड़ेगा आपको पहले, वाइपर का ये दोनों ब्लेड खोल के बाद कॉल पैनल खुलेगा। कॉल पैनल खुलने के बाद ये जो देख रहे हैं आप, मैं पाना लगा के रखा हूँ, इधर से दिख नहीं रहा है आपको शायद, ये जो देख रहे हैं यहाँ से दिखा देता हूँ। वो जो दिख रही है ये वाली 12 नंबर,
ये खोलना पड़ेगा आपको, ये खोलता हूँ फिर देखते हैं डैशबोर्ड बाहर आ जाएगा। चलो खोलते हैं हम फिर इसको। ये रही जो आप देख पा रहे हैं अंदर 12 नंबर, मैं आपसे खोल रहा हूँ इसको। ये वाली दिख रहा हूँ आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये खुल चुका है पूरा। मैं इसको निकाल लेता हूँ। बड़ा बोल दिया है, लंबा बोल रहे हैं, इसकी वजह से टाइम लग रहा है खोलने में। देख रहे हैं ये वाली बोल्ट थी। तो चलो अब ये खुल गया, अब डैशबोर्ड अपना पूरा बाहर आ जाएगा, भर लेता हूँ फिर मैं। तो फाइनली हम इसका डैशबोर्ड पूरी तरीके से खुल चुके हैं। बस हमारे को अब करना क्या है कि इसको पलटी मारना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हर एक चीज खुल चुकी है, बस हमको इसको पलटी मारना है, पलटी मार के सीट के ऊपर होल्ड करना है। तो चलो हम इसको होल्ड करके आपको दिखा देता हूँ। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फाइनली हम इसको डैशबोर्ड पलटी मार चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रही अपना एसी कंट्रोल यूनिट, जो कि इसके अंदर कूलिंग कॉइल फिट रहता है। तो चलो फिर हम इसको खोलेंगे। खोलने का प्रोसेसिंग तो आपको मालूम है, बाहर से इसको बोल्ट दिया हुआ रहता है 10 नंबर, जैसा कि देख पा रहे हैं एक यहाँ और एक इसके नीचे दिया हुआ रहेगा, इस साइड रहेगा कहीं, बस दो ही दिया हुआ रहता है अंदर से, बाकी सब बाहर से दिया हुआ रहता है। तो चलो फिर हम इसको खोलते हैं, खोल के फिर आपको आगे दिखाऊंगा। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं आपको बाहर से ये वाली 10 नंबर का नट खोलना पड़ेगा, ये दो और तीन ही दिया हुआ रहता है, एक अंदर दिया है, इधर आप नहीं जा पा रहे मेरा वहाँ तक, मतलब दिखा देता हूँ सैंपल के लिए। और एक्सपेंशन वाल जो है वो खोलना पड़ेगा, और ये हीटर का पाइप खोलना पड़ेगा, हीटर का पाइप का जॉइंट, ये सब खोल के फिर मैं आपको बाहर अपना कंट्रोल यूनिट बाहर निकाल के दिखाता हूँ। तो चलो फिर हम दिखाते हैं आपको। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने ये बोल्ट ये नट खोल दिया है, हीटर का पाइप भी निकाल दिया है, ये दोनों जो कि देख पा रहे हैं हम यहाँ से निकाल दिया हूँ, और कूलिंग कॉइल का जॉइंट भी देख रहे हैं ये वाली निकाल दिया हूँ। तो अब मेरा कंट्रोल यूनिट इसी क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट बाहर आ जाएगा। चलो अब हम अंदर से बाहर ले लेते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इधर का भी मैंने दो बोल्ट था नट खोल दिया हूँ, अब ये इजीली बाहर आ जाएगा अपना, देख पा रहे हैं इजीली बाहर आ गया। तो चलो अब हम इसको बाहर ले लेते हैं, और तो इसको हम बाहर लेंगे फिर। बाहर लेकर के जैसा देख रहे हैं फर्स्ट टाइम डैशबोर्ड खुल रही है इसका, ये कंट्रोल यूनिट फर्स्ट टाइम खुल रहा है। तो चलो हम इसको बाहर लेते हैं फिर इसको खोलेंगे फिर आपको दिखाऊंगा। जैसा कि देख पा रहे हैं मैं इसको बाहर ले लिया हूँ, और इसमें एक स्क्रू इधर रहता है एक इधर रहता है, सब स्क्रू खोल दिया हूँ, बाकी सब ब्लॉक में रहता है फिटिंग। तो उसके बाद इसको मैं निकाल लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरा इजीली है बाहर आ गया, और ये रही कूलिंग कॉइल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलो फिर हम इसको बाहर लेता हूँ कूलिंग कॉइल को इसमें से, ये रही हीटर का फ्लैप है, ये बाहर लेकर के फिर आपको दिखाता हूँ मैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मैंने पूरा अलग कर दिया, ये रेजिस्टेंट कॉइल है और ये जूनी वाली है एवेपोरेटर कॉइल है, इसका एक्सटेंशन वाल निकाल दिया हूँ, तो इसमें लगाना पड़ेगा मेरे को। तो ये देख रहे हैं इधर से लीक हुआ है, यहाँ से गीला गीला हो चुका था, तो लीक दिखता नहीं है, बहुत माइनर लीक रहता है, दिखता नहीं है जल्दी। तो चलो फिर हम इसको फिटिंग करेंगे, ये वाली ट्रे में फिटिंग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, और इसका सेंसर रहता है, इसमें सेंसर नहीं दिया मेरे को, और इसका सेंसर इसमें हम लगा देंगे वही पोजीशन में। तो चलो फिर हम इसको फिटिंग करते हैं, फिटिंग करने के बाद ही मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो चलो फिटिंग कर लेता हूँ। ये कूलिंग कॉइल जैसा देख रहे हैं आप, ये वाली कूलिंग कॉइल है, किस टाइप से दिख रहा है देख लीजिए आप। चलो फिर हम फिटिंग करने लग जाते हैं, फिर आगे आपको दिखाऊंगा। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं इसको फाइनली फिट कर चुका हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलो अब हम इसको गाड़ी में फिटिंग कर देते हैं, फिर आगे आपको दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं मैंने फाइनली इसको फिट कर दिया इधर, और बाहर भी दिखा देता हूँ, सब लगा दिया हूँ। चलो बाहर दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं लो में प्रेशर लगा के रखा हूँ, और देखें सब फिट कर दिया हूँ ऊपर का, ये सब जो जो भी खोला था हीटर का पाइप को एक्सपेंशन वाल के पास का जॉइंट सब फिट कर दिया हूँ, देख पा रहे हैं आप। और मैं नाइट्रोजन का प्रेशर भी मार के रखा हूँ, 300 का प्रेशर मार के रखा हूँ,
चलो जब तक मैं अंदर डैशबोर्ड फिट कर लेंगे, फिर प्रेशर भी अपना होल्ड रहता है क्या नहीं वो भी दिखा दूंगा आपको। तो चलो फिर हम डैशबोर्ड जब तक फिटिंग कर लेते हैं, अंदर फिटिंग करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने सब बाहर प्रेशर वगैरह मार के कंट्रोल यूनिट बैठा दिया हूँ, और मैं दो सॉकेट के बारे में भूल गया था बोलने के लिए। एक ये वाली सॉकेट और ये मोटर की, और एक सॉकेट कौन सी ये वाली सॉकेट निकालना भूल गया था, जो कि आपको निकालना पड़ेगा। चलो अब हम फिर इसका डैशबोर्ड अंदर डाल देते हैं, फिर आगे आपको दिखाऊंगा। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने डैशबोर्ड डाल दिया है इधर इसमें, और अब हम इसको फिटिंग करने लग जाते हैं। तो सब फिटिंग करके फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं सब हम मैं फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके फिर आपको आगे दिखाता हूँ। चलो हम फिटिंग करने के लिए लग जाते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप, मैंने गियर बॉक्स वगैरह सब फिट कर दिया है। जैसा कि देख पा रहे हैं इधर का सब बैठा दिया है, इधर भी लगा दिया है, स्टेयरिंग का कॉलम भी लगा दिया है, ये सॉकेट वगैरह जितनी भी खोला था मैंने सब ये सब लगा दिया हूँ, और बाकी कंसोल बॉक्स वगैरह मैं बैठा करके फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो चलो हम फिर लग जाते हैं अपने काम में। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने फाइनली सब कुछ फिट कर दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरी गाड़ी मेरी डैशबोर्ड फिट हो चुकी है। अब बाहर का सिर्फ हमारे को कॉल पैनल वगैरह वाइपर का ब्लेड वगैरह लगाने का है, तो मैं लगा देता हूँ, आगे आपको दिखा देता हूँ, और लगा देता हूँ फिर आगे आपको दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कॉल पैनल वगैरह लगाना बाकी है, और यहाँ का 12 नंबर मेरे को लगाने के लिए बाकी है, मैं इसको लगा देता हूँ। और बाकी कॉल पैनल वगैरह फिटिंग करके सब मैं फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो फाइनली हमने फिट कर दिया सब, सब कुछ लगा दिया हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिर्फ मेरा बैटरी का वायर लगाना बाकी रह गया, और हमने प्रेशर जो मार के रखा था, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रेशर होल्ड में, तो प्रेशर छोड़ देता हूँ अब ये वाला। चलो फिर हम इसको वैक्सिंग में लगाता हूँ, और बैटरी की वायर लगा करके फिर आगे अंदर गाड़ी चालू करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलो फिर चलते हैं। हेलो गाइज, जैसा कि देख रहे हैं मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, और अभी गाड़ी चालू करने जा रहा हूँ। गाड़ी चालू हो चुकी है, और जैसा कि देख पा रहे हैं आउटसाइड टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है, और हम एसी का चालू करने जा रहे हैं। एसी चालू हो गया, और कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए अभी 15 पे है, और कम हो रहा है, कम होगा। तो थोड़ी देर में वेट करता हूँ कूलिंग टेम्परेचर कितना तक जा रहा है। वीडियो पॉज कर रहा हूँ, यानी बंद कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ, और देखते हैं कितना तक जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कूलिंग टेम्परेचर 8.3 और भी नीचे आ रहा है, अभी और डाउन होगा। बाकी कंट्रोल पैनल के बारे में तो आपको मालूम ही है कौन सा रिमोट बटन है, आपको हवा कहाँ चाहिए, सामने पैर पे, कांच पे, और ये ऑटो का रही, ऑटो में अगर आपका चालू रहेगा तो ऑटो का सिंबल यहाँ बताएगा, और ऑटोमेटिकली ये एक्सलेटर की स्पीड बढ़ जाएगी। और ये रही ऑफ, पूरा सिस्टम ऑफ का, ऑफ हो गया, तो मैं वापस से चालू कर रहा हूँ यहाँ से। और ये आउटसाइड एयर का, आउटसाइड एयर कब यूज़ करने का रहता है वो भी आपको पता ही होगा, जब आप एसी चालू करते हैं तभी इसको बंद रखने का है, आउटसाइड की एयर को लेने का नहीं, बंद रखने का है। ऐसा यहाँ एरो का मार्क दिखा रहा है, उसी टाइप के इसको बंद रखने का है, यहाँ ये वाला बंद में। और जब भी आप अगर एसी चालू नहीं करते हैं तो इसको चालू रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कभी कभी कैसा होता है कि एसी आप काफ़ी टाइम चालू रखते हैं तो अंदर घुटन जैसा महसूस होने लगता है, तो 5-10 मिनट के लिए इसको चालू कर दें ताकि बाहर से ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन आ जाए, तो आपको घुटन जैसा महसूस ना हो। और ये रही फ्रंट डिफोगर का, जो कि ग्लास पे, सामने की ग्लास पे विंडशील्ड में आएगा एयर। और ये रही रियर डिफोगर का। तो बाकी सभी सिस्टम प्रॉपर चल रहा है इसका। मैं हीटर हाई पे करता हूँ, हीटिंग टेम्परेचर देख लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हीटर हाई पे किया हूँ, लेकिन मोड बटन का एयर का डायरेक्शन चेंज हो गया, इसकी वजह से मैं सामने हवा लग लेता हूँ। और जैसा आप देख पा रहे थर्मामीटर ऑफ हो गया, देख रहे हैं हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है। थोड़ी देर होल्ड करता हूं वीडियो ताकि पूरा समझ में आए। जैसा कि देख पा रहे हैं 55.9 यानी 56 पे आ चुका है, यानी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर चल रहा है। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया डैशबोर्ड खोल के क्या क्या किया मैंने गाड़ी के अंदर, तो दोस्तों ये सब कुछ ना सिर्फ आपके लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपको, आप कहीं भी जाए तो आपको कोई बेवकूफ बना ना सके, या फिर आपसे कुछ ठग वगैरह ना कर ले।
आपको भी समझ में आना चाहिए कि मेरे गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके वजह से मैं ये सब चीज सामने लेके आ रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं ये सब कुछ आपके लिए ही कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।